सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। ये एक्सप्रेस सेक्शन से द हंट फॉर कोरोना ट्रीटमेंट, और दूसरा जो आर्टिकल हम लोग एनालाइज करेंगे ये है हाउ ए सऊदी रशिया टसल टैंक्ड ऑयल प्राइसेस। तो ये जो मतलब बीच में जो रशिया और सऊदी में जो तेल को लेके तेल को प्रोडक्शन को लेके जो मुठभेड़ हुई है और जिससे जो ग्लोबल ऑयल प्राइस जो जिस की कमी हुई है उस पर एक चर्चा है। और जो तीसरा आर्टिकल हम लोग एनालाइज करेंगे ये है कोरोना क्रूड एंड क्रेडिट, जो कोरोना वायरस और जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की कमी से जो वर्ल्ड की जो डिमांड सप्लाई चेन और जो बिजनेस में जो इम्पैक्ट हुई है उस पर एक आर्टिकल है। तो चलिए आज का हम लोग न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस की डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं एनालिसिस। तो पहला जो आर्टिकल हम लोग एनालाइज़ करेंगे ये है द हंट फॉर कोरोना ट्रीटमेंट, या जो कोरोना वायरस की जो ट्रीटमेंट है या वैक्सीन है उसकी जो अनुसंधान कर रही है विश्व की वैज्ञानिक। तो उस पर क्या अनुसंधान हो सकती है, क्या वैक्सीन निकल सकती है उस पर एक चर्चा है। देखिए, ये कोरोना जो वायरस है उसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन को जानने में या और वैक्सीन एक निकालने में आपका इफेक्टिव वैक्सीन निकालने में और मतलब अगले साल तक नहीं निकल सकेगी, क्योंकि उसकी रिसर्च में काफ़ी टाइम लगेगा। इतना मतलब आसान नहीं है आपकी कंपोजिशन जान के इमीडिएट आपका वैक्सीन निकालना। और जो कोविड-19 या कोरोना वायरस है ऑलरेडी उससे आपका विश्वभर में करीब 1 लाख लोग अफेक्टेड हैं और करीब 4,000 आपके 4,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी जो ये जो बोला गया है कि अगर कोरोना वायरस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को एग्जैक्टली नहीं मालूम होता है तब तक हम लोग वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन अभी खोज रही है, अनुसंधान की जा रही है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? देखिए, वैज्ञानिक अभी जो कोरोना वायरस की जो जेनोम सिक्वेंसिंग कर रही है, जेनोम सिक्वेंसिंग मतलब उसकी जो यूनिक जेनेटिक कोड है, जेनेटिक आइडेंटिटी है, उसको ढूंढने में लगी है। तो आपका देखिए, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी कोरोना वायरस है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से अलग होगी। तो उसको अगर एग्जैक्टली अगर हम लोग उसकी जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको जानते हैं तभी उसकी एंटी वैक्सीन निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपका करीब 326 सेट्स ऑफ डेटा आपका जेनेटिक सिक्वेंसिंग का अभी विश्वभर में खोजी गई है और इसमें इंडिया ने करीब 2 जेनेटिक सिक्वेंस आपकी दी है। और जो इंडिया ने जो जेनेटिक सिक्वेंस खोजी है कोरोना वायरस की, वो जो वुहान में जो पहले फर्स्ट आपकी जो कोरोना वायरस स्टार्ट हुई थी वो वायरस से बहुत करीबी उसकी मेल है। तो इसका मतलब इंडिया की जो खोज है वो काफ़ी असरदार है। तो इसमें आपका 120 जो सीक्वेंस है वो आपका चाइना ने ही आपका निकाली है कोरोना वायरस की। अभी दोस्तों, ये प्रश्न हो सकता है कि आपका इतना जेनेटिक सीक्वेंसिंग या जेनोम सीक्वेंसेस इतनी कहाँ से मिलती है और इतना कैसे आती है एक ही वायरस की। अभी देखिए, इसमें देखिए 326 सेट्स ऑफ डाटा बोला गया है। तो वायरस जब मल्टीप्लाई होती है, मतलब आपका वायरस एक जगह से दूसरी जगह में जब उसको फैलती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई को क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। तो इस म्यूटेशन में क्या होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह में जाके फैलती है या मल्टीप्लाई होती है तो उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। और लेकिन इसमें भी जो चेंज होती है वो चेंज माइनर होती है और उसकी जो 95% ऑफ ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर थी, जीन स्ट्रक्चर, वो आपका सेम रहती है। और दोस्तों, यद्यपि जो 95% जो स्ट्रक्चर सेम रहती है और सिर्फ 5% जो चेंजेस होती है, लेकिन उसको वो 5% जो चेंजेस है उसको भी जानना वैज्ञानिकों के लिए कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो उस 5% की जो चेंजेस या म्यूटेशन जो होती है उससे एक वैज्ञानिक को साइंटिस्ट को आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो वायरस की जो ओरिजिन क्या है, उसकी जो ट्रांसमिशन किस तरह वो फैलती है और उसकी जो इम्पैक्ट है, उसकी जो असर है वो पेशेंट्स में कैसी होती है। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग जो हेल्थ पैरामीटर्स, जैसे कि 2 व्यक्ति में ये वायरस कैसे इफ़ेक्ट करेगी, 2 अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रूप से ये इफ़ेक्ट करेगी, और वो जो इफ़ेक्ट होती है वो इस जेनेटिक जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन पे
डिपेंड करेगी, और उसी को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है वैक्सीन निकालने के लिए, वैक्सीन इन्वेंशन के लिए। अभी दोस्तों ये प्रश्न हो सकता है कि जो जेनेटिक सीक्वेंसेस या जेनोम सीक्वेंसेस या जो जेनेटिक डिफरेंसेस जो वायरस में इतनी सारी क्यों हो रही है, जैसे कि चाइना में करीब 120 रिपोर्ट हुई है और इंडिया में 2 रिपोर्ट हुई है। देखिए दोस्तों ये फैक्टर डिपेंड करती है कि वायरस किस जगह में या किस परिस्थिति में म्यूटेट हो रहा है या मल्टीप्लाई फैल रही है। तो देखिए जो रिपोर्ट हो रही है वायरस की वो अलग अलग देश से हो रही है, जैसे चाइना, साउथ कोरिया, ईरान, इटली, अलग अलग देश से, विश्व के अलग अलग देश से ये वायरस की रिपोर्टिंग हो रही है। तो हर जगह से अलग अलग आपका जेनेटिक सीक्वेंस या जेनोम सीक्वेंसेस निकल रहे हैं। जैसे कि इंडिया में जो 40 केसेस आए थे महाराष्ट्र से, वो लोग दुबई से आने वाले जो पर्यटक थे या भ्रमण दुबई में गए थे कुछ काम से, तो उन लोग ये 40 जो लोग महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अफेक्टेड हैं, उनकी जो उनके शरीर में जो वायरस मिलेगी उनकी जो जेनोम सीक्वेंसेस वो सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई यूके में या यूरोप में, नेदरलैंड्स, बेल्जियम या चाइना में अगर इफेक्ट होती है तो उस वायरस की जो जेनोम सीक्वेंस है वो डिफरेंट रहेगी। तो ये जो वायरस जो अलग अलग जगह में अलग अलग परिस्थिति में फैल रही है उसी से आपका जो जेनोम सीक्वेंसेस जो जेनेटिक वेरिएशन इतना अलग अलग वेरिएशंस हो रही है। तो इस कंट्री से आपका यूएस ने आपका करीब आपका 43 जेनोम सीक्वेंसेस रिपोर्ट किया है और नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम ने 25 करीब 25 रिपोर्ट की है। तो जो और जो हमारे इंडिया से जो 2 सीक्वेंस अलग हुए हैं वो 2 आपका युहान में जो 2 पेशेंट थे, वो जो जब युहान में जो ये आउटब्रेक हुआ था वायरस का और वहाँ से रिटर्न हुए थे, इसीलिए उनकी जो जेनेटिक या जेनोम सीक्वेंसेस पाई गई है उनकी बॉडी में वो जो युहान में जो वायरस थी उससे सेम है। अभी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है, जो कोरोना वायरस की सबसे इफेक्टिव मेडिकेशन क्या है, इसकी कोई दवाई है कि नहीं या कितनी इफेक्टिव है। देखिए दोस्तों एक दवाई को अगर टेस्ट करना होता है तो उसको टेस्ट करने के लिए एक पर्याप्त ये चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए या उसकी पर्याप्त ये चाहिए आपका सिचुएशन चाहिए। लेकिन जो ड्रग्स है, जो फिलहाल साइंटिस्ट के पास जो ड्रग्स है वो कोरोना वायरस के लिए वो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि इफेक्टिव जो टेस्टिंग है वो वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं मालूम है या वो श्योर नहीं है कोई कैसे वो एग्जैक्टली टेस्ट करें, अभी भी वो ट्रायल में है। और जो इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट या ड्रग अभी हाल फिलहाल में तो निकलने वाला नहीं है, ये कहना है वैज्ञानिकों का। और जो अभी जो अगर अभी फिलहाल अगर कोई ये कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो उसकी क्या हो सकती है, क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है, ये है आपका उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ ही दी जा सकती है। जैसे कि आपका जो कफ या फीवर या पेन या तो उसके लिए आपका जो ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन है वो ही दिया जा सकता है फिलहाल। और अगर उसका सीवियर अगर उसका जो अगर कोई बीमारी हो या इस वायरस से अफेक्टेड हो तो उसको ऑक्सीजन या रेस्पिरेटरी सपोर्ट में भी रखा जा सकता है। और न्यू ड्रग्स जो अभी तो उसको उसके लिए अभी अनुसंधान ही चल रही है, तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि COVID-19 या कोरोना वायरस की इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है, मौजूद नहीं है और इसके लिए अनुसंधान जारी है। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग एक्सप्लेन सेक्शन से डिस्कस करेंगे ये है हाउ ए सऊदी रशिया टसल टैंक्ड ऑयल प्राइसेस। जो हाल फिलहाल में जो सऊदी अरेबिया और रशिया में जो ऑयल की प्रोडक्शन को लेके जो मुठभेड़ हुई है और उसके जो इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में है हुई है, उसी पे एक ये आर्टिकल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों हाल ही में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है, अमीरती सरकार ने कहा है कि जो ग्लोबल ऑयल आउटपुट है उसकी 3.6% आपका प्रोडक्शन वो ये दो देश बढ़ा देगी, जो कि आपका विश्व की जो बैरल्स पर डे जो 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे की बढ़ोतरी होगी ऑयल प्रोडक्शन में। तो सऊदी अरेबिया ने अकेले ही कहा है कि उसकी जो आउटपुट है वो 9.8 बिलियन आपका बैरल्स पर डे से 9.8 मिलियन बैरल्स पर डे से आपका अप्रैल 1 तारीख तक आपका 12.3 बैरल्स पर डे कर देगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हो जाएगी ग्लोबल ऑयल आउटपुट में। इसी तरह से जो अबू धाबी जो यूनाइटेड यूएई की सरकार है उसने भी कहा है कि उसकी जो कंपनी एडनॉक है उसने कही है कि जो ग्लोबल उसकी जो ऑयल आउटपुट है वो
25% बढ़ा देगी, जो कि आपका 4 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगी। तो इससे आपका जो ग्लोबल ऑयल आउटपुट है वो बहुत ही, जो ऑलरेडी विश्व में 200 ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही उससे ज़्यादा है, और इससे ये जो फ्लड हो जाएगी जो मार्केट में इतनी सप्लाई से, उससे जो ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम जाएगी। और दोस्तों अभी ये भी अंदेशा लगाया जाता है जो ये इंक्रीज जो ऑयल का आउटपुट होगा इन दो देशों से, तो क्या होगा, जो ऑलरेडी जो विश्व की इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है कोरोना वायरस आउटब्रेक से, वो और भी मंदा पड़ेगा, और जो विश्व की जो ऑयल प्राइस है वो 10 सालों में पहली बार आपकी घटी है। और ये जो आपके दोस्तों सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो ये डिसीजन ली है इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, ये रिएक्शन थी जो पिछले हफ्ते जो ओपेक प्लस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री प्लस जो मॉस्को रशिया भी इंक्लूडेड है, उनकी एक डिमांड थी कि आपका रशिया जो ग्लोबल ऑयल जो प्रोडक्शन है वो घटा दे, क्योंकि जो विश्व की जो ऑयल प्राइस है घट रही थी, तो ओपेक ने ये सोचा था कि अगर प्रोडक्शन घट जाएगी तो ऑयल प्राइस वो लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रशिया ने जो ये इससे ये सुझाव से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि प्रोडक्शन वो नहीं घटाएगी, तो इसके प्रतिरोध में सऊदी अरेबिया और यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन इतनी बढ़ा देगी कि रशिया की कंपटीशन मार्केट से ख़त्म कर देगी। और दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के 14 कंट्रीज़ थे उसमें, और उसको लीड ले रही थी सऊदी अरेबिया, तो ये मीटिंग हुई थी वियना में, और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो ओपेक है, ओपेक देश अपनी जो प्रोडक्शन है ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन वो 1 मिलियन बैरल्स पर डे कम घटाएगी, और रशिया को प्रपोज़ किया था कि वो अपनी 5 लाख बैरल्स पर डे घटाए, क्योंकि जो ऑनगोइंग जो आपका जो चाइना और साउथ एशियन कंट्री जैसे साउथ कोरिया में जो आपका इकोनॉमी डाउन हो रही है, उससे ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत कम घट गई है, और उससे जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है जिनकी इकोनॉमी बेस्ड है आपका, जैसे गल्फ कंट्रीज हो गई जिनकी इकोनॉमी आपका ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, तो ये घटती हुई प्राइस से उनको काफ़ी अफेक्टेड, काफ़ी लॉस हो रहा था, और उन्होंने ये डिसीजन उनकी इसी मद्देनज़र उनकी ये डिसीजन थी कि अगर ऑयल प्रोडक्शन घटा दे तो हम लोगों की इकोनॉमी रिवाइव करने में सफल होगी, लेकिन रशिया ने जो ये रिजेक्ट कर दी, इससे आपका सऊदी अरेबिया और जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने या यूएई आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की सोची है उन्होंने। और दोस्तों रशिया या मॉस्को की ये प्रोडक्शन ना घटाने की कारण था, उन्होंने ये कारण दर्शाया कि उनको ये कहना था कि कोविड-19 की जो लॉसेस है या इफेक्ट है उसको पूरी तरह जांच नहीं कर ना करके ये ऑयल प्राइस घटाना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यूएस की जो शेल गैस इंडस्ट्री है वो अपनी प्रोडक्शन ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और रशिया से बढ़ा चुकी है, और रशिया और सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोडक्शन घटाने से यूएस की जो शेल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी मदद मिलेगी, उनको कंपटीशन में ज़्यादा अग्राधिकार मिलेगी या उनको ज़्यादा मुनाफा होगी। और रशिया ने दोस्तों ये आपका सऊदी अरेबिया सॉरी आपका ये जो डिसीजन था रशिया का उसको नहीं माना, और बोला कि वो आपका जो उसका जो प्रोडक्शन है वो 3 लाख बैरल पर डे बढ़ा देगी, और रशिया ने भी कहा वो अपनी प्रोडक्शन आपकी बढ़ा देगी, तो दोनों कंट्री में ये कोल्ड वॉर चल रही है। और दोस्तों इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि रशियन इकोनॉमिस्ट के पास अभी ओपेक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओपेक प्लस या सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज से रिलेशनशिप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यूएस की जो शेल गैस कंपनी है उसको कंपटीशन देना या उसकी कंपटीशन ठप करना मार्केट में, क्योंकि जो रशिया ऑलरेडी आपका यूएस से खफा है, क्योंकि उसके जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस प्रोजेक्ट थी, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट थी जो कि आपका रशिया से जर्मनी में कनेक्ट होती थी, उसको यूएस ने बंद कर दिया सेंक्शन से, और उसी से रशिया खफा होके आपका यूएस की जो शेल कंपनी है उसको बंद करने में उसको कंपटीशन देने में लगी हुई है, और ये भी अंदेशा किया जा रहा है कि रशिया हो सकता है उसकी जो ऑयल प्रोडक्शन या ऑयल प्राइस की जो दाम है ऑयल की उसको यूएस की जो शेल गैस है उससे भी कम रखे, ताकि यूएस की शेल कंपनी बंद हो जाए या उनकी कंपटीशन मार्केट से ख़त्म हो जाए। तो ये जो ऑनगोइंग जो टसल है ओपेक और रशिया में, ये इसकी मेन आपका जो यूएस की जो पॉलिसीज रही है रशिया की जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन और सैंक्शंस की गई थी जिस पे रशिया पे, उसी के कारण रशिया इतनी
आपका कड़ी स्टैंड ले रही है इस ऑयल प्राइसिंग पे, और यूएस को एक कड़ा कंपटीशन देने में वो लगी हुई है। और दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ये है, इसका शीर्षक है कोरोना क्रूड एंड क्रेडिट। ये जो रिसेंटली कोरोना वायरस और जो क्रूड ऑयल की जो दाम में कमती हुई है, रिडक्शन हुई है, उससे इंडियन इकोनॉमी कैसी अफेक्टेड है, उस पर एक चर्चा है, डिस्कशन है। तो चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों ये जो आर्टिकल लिखी है, ये आर्टिकल लिखी है साजिद जे चिनोय, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है जेपी मॉर्गन ग्रुप ऑफ कंपनीज की। तो देखिए राइटर का कहना है कि जो 2008 की जो रिसेशन हुई थी, वो रिसेशन के बाद सबसे बड़ी जो विश्व की आर्थिक जो मंदा चल रहा है वो अभी चल रहा है, और जो ग्लोबल जो इक्विटी शेयर मार्केट है वो अभी डाउन है, और यूएस की जो बॉन्ड्स है उसकी भी डिमांड काफ़ी घट गई है, और जो क्रूड जो खुदरा जो तेल की जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो आपका 30 सालों में सबसे ज़्यादा घटी हुई है, कम गई है, और ये जो इकोनॉमिक जो एक मेहम बोला गया है, जो इकोनॉमी जो त्राही मची हुई है, ये इससे पहले कभी नहीं था, राइटर का कहना है। देखिए राइटर का कहना है जो ग्लोबल का जो हाउस होल्ड और कमोडिटी और जो बिजनेस की कमोडिटी डिमांड है उसको काफ़ी कमी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, लोग मतलब आपका गैदरिंग सोशल गैदरिंग्स या सोशल जो आपका कॉरेस्पोंडेंस है या लेना देना या लेन देन की जो प्रोसेस थी वो काफ़ी घट गई है ये जो कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक से। तो इससे आपका जो ग्लोबल बिजनेस है या ग्लोबल जो लोगों में जो आदान प्रदान है वो काफ़ी घट गई है। देखिए राइटर का कहना है जो कोरोना वायरस की या COVID-19 की जो इम्पैक्ट है उससे जो ग्लोबल जो डिमांड सप्लाई जो का जो रेशियो है वो बहुत ही घट गई है, बहुत ही ख़राब हो गई है। जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट थी वो 20 पॉइंट घटी है, और जो एक्सपोर्ट्स थी चाइना की वो भी एक वायरस की वजह से आपका घट गई है, और ये जो चाइनीज़ विश्व की ज़्यादातर आपका इकोनॉमी चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स चाइनीज़ के रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड है, और उससे जो विश्व की जो डिमांड है वो और भी डिमांड सप्लाई जो गैप है वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र में आ रही है, ये कहना है राइटर साजिद चिनोय जी का। सेकेंडली जो ऑयल की प्राइसेस जो ऑयल प्रोड्यूसर्स की जो ये डिसीजन थी कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देने का, उससे क्या हुआ जो ऑयल प्राइस क्रूड ऑयल प्राइस है वो करीब 50% घट गई है करीब, और ये प्राय आपका $30 per barrel उसकी दाम कमी है सिंस जनवरी। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइड हो सकती है इंडियन इकोनॉमी की मद्देनज़र की, लेकिन ये विश्व की जो इकोनॉमी है उस पर एक ख़राब प्रोस्पेक्ट्स ला सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और राइटर का ये भी कहना है सिर्फ आपका कोरोना वायरस और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की घटती हुई रेट ये भी ये नहीं था, इससे अलावा और जो यस बैंक की जो आपकी हालत है वो उससे भी आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है और जो आपकी जो छोटे छोटे बैंक प्राइवेट बैंक्स है उस पर जो लोगों की ट्रस्ट है और उनकी जो क्रेडिट्स है उस पर भी काफ़ी अफेक्टेड होगा, और इससे भी जो देश की जो क्रेडिट सप्लाई है या लोन्स वगैरह लोगों के जो मार्केट इकोनॉमी है उस पर काफ़ी इफेक्ट होगा, ख़ास तौर पे आपका प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में। तो दोस्तों अभी ये प्रश्न चिन्ह होता है कि ये जो यस बैंक क्राइसिस या ग्लोबल ऑयल डाउनवर्ड मार्केट प्राइस और जो आपकी कोविड या कोरोना वायरस की आउटब्रेक उससे इंडियन इकोनॉमी कैसे इम्पेक्टेड होगी या अफेक्टेड होगी। देखिए इंडियन इकोनॉमी जो है वो आपका करीब 20% आपका GDP जो आती है वो आपका एक्सपोर्ट से आती है। तो अगर जो हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी का अगर 100 एज ए बेसिक पॉइंट पकड़े आपका ग्रोथ मार्केट ग्रोथ का, तो इंडिया की जो कोविड वायरस से जो एक्सपोर्ट बिजनेस जो ठप हुई, डिमांड की जो ग्लोबल डिमांड की जो कमती हुई है, तो उससे इंडिया की जो एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट होगी उससे करीब 40 बेसिक पॉइंट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होगा। और देखा गया पिछले बार जो SARS आउटब्रेक में क्या हुआ था, इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर थी उसको भी काफ़ी इफेक्ट हुआ था, और उससे करीब 20% हमारा जो GDP वो घट गई थी। तो अभी जो कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ है वो SARS से भी ज़्यादा देखा जा रहा है उसकी इम्पैक्ट हो रही है, तो उससे करीब देखा जा रहा है करीब एस्टिमेट किया जा रहा है करीब 30% हमारा GDP पे इफेक्ट होगा। तो टुगेदर हमारा ये आपका
सब कुछ लगा के हमारा कितना होता है आपका एक्सपोर्ट, और ये कोरोना वायरस से जो फॉरेन टूरिज्म से जो इम्पैक्ट होगा वो करीब हमारा 60 या 70 बेसिक पॉइंट हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर इफेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव है, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो पर आपका बैरल $30 कम गई है, उससे जो इंडिया का GDP है या इंडिया की जो निगेटिव जो इफेक्ट हुआ था ग्लोबल डिमांड में कमना या कोविड कोविड वायरस के आउटब्रेक या टूरिज्म पे अफेक्टेड होना, उससे उसकी जो लॉसेस थी वो काफ़ी मिटिगेट हो गई या काफ़ी रिड्यूस हो गई ये ग्लोबल ऑयल प्राइस के घटने से। अभी देखा गया है अगर हर डॉलर 10 अगर कमती है ऑयल प्राइसेस में पर बैरल, तो इंडिया की जो बेसिक GDP ग्रोथ है बेसिक पॉइंट 20-25 इंक्रीज होती है 20 से 25 बेसिक पॉइंट्स। तो जो $30 आपका जो पर बैरल जो क्रूड ऑयल की जो दाम कमी है उससे इंडिया की करीब 60-70 बेसिक पॉइंट्स आपका इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये जो आपका ट्रेड और जो एक्सपोर्ट और जो फॉरेन टूरिज्म से जो निगेटिव इफेक्ट था वो ऑयल की दाम घटने से आपका काफ़ी आपका कम जाएगी या उसको उसकी इफेक्ट को पूरी तरह निपटने में सक्षम होगी इंडियन इकोनॉमी। और जो आपका जो क्रूड ऑयल की जो 35 से 40 तक आपका कम घटने की पर बैरल घटने की 35 से 40 डॉलर घटने की अंदेशा है, उससे ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है वो भी कभी काफ़ी घटेगी। और इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट थी जो 2003 और 4 से लगी हुई थी वो पहली बार इस साल आपका वो घट जाएगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका इंडिया इंडिया में अभी फ़िलहाल इस ऑयल की दाम घटने से आपका काफ़ी घट जाएगी या नहीं रहेगी। और ये जो पॉजिटिव्स जो इम्पैक्ट होगी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की घटने से, ये जो इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव इफेक्ट होगा होगा। लेकिन अगर कोरोना वायरस इंडिया में अभी भी पूरी तरह इफेक्ट फैली नहीं हुई, अगर ये फैलती है तो फिर से आपका डिमांड सप्लाई में इफेक्ट होगी। डिमांड में जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी डिमांड घट जाएगी और पब्लिक जो कॉरेस्पॉन्डेंस वो भी घटेगी। और जो ये भी देखा अंदेशा किया गया है तो अगर पूरा अगर ये वायरस फैल जाती है या इंडिया बुरी तरह अफेक्टेड होती है तो इंडिया के जो बेसिक पॉइंट्स है वो और भी 140 बेसिक पॉइंट्स आपके घट जाएगी इंडियन GDP इकोनॉमिक ग्रोथ से। और जो पॉजिटिव्स हम लोग ले सकते थे ग्लोबल ऑयल प्राइस से के घटने से वो फिर से आपका वो मिनिमाइज़ हो जाएगी या उसकी कोई लाभ नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए जो भी राइटर का कहना है, जो भी हम असरदार जो भी तरीका अपना सकते हैं उसको अपनाएं, जैसे कि आइसोलेशन करें या क्वारंटाइन या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग या कैंसिल गैदरिंग, जो भी पब्लिक मीटिंग है या जो गैदरिंग्स है उस जो भी हम लोग इफेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं इस वायरस की स्प्रेड से वो लें, ताकि जो हमें जो मुनाफा मिलेगी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगी ग्लोबल ऑयल प्राइस की घटने की इकोनॉमी में वो कोरोना वायरस की वजह से हमें ना खोना पड़े। और राइटर का ये भी कहना है कि जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की जो लाभ है वो गवर्नमेंट अपने आप पे सीमित ना करे, बल्कि हर घर को या लोग आम लोगों को जनता तक भी पहुंचाए और जो जो प्राइस ऑफ सिलेंडर या गैस है वगैरह का दाम घटाए। इससे क्या होगा, लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगी और मार्केट में आपका जो डिमांड साइकिल है उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ती रहेगा वो बरकरार रहेगा और लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी और जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। और लास्टली आपका राइटर का ये कहना है कि सिर्फ ग्लोबल ऑयल प्राइस की घटने से इंडियन इकोनॉमी को डिपेंड नहीं रहना चाहिए और सरकार को आपका जो रिफॉर्म्स है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है उसको बरकरार रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जो हमारे जो मार्केट और भी अच्छा बने और हमारी इकोनॉमी और भी स्ट्रॉन्ग हो। तो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।